हेलो एवरीवन, फेस्टिवल सीजन आ रहे और उसमें मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और आज हम ये पीठा बनाएंगे बिना घी और बिना चाशनी के, सिर्फ तीन ही सामग्री वाला। क्या है इसका सीक्रेट राज, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये मिठाई ऐसी है ना कि मुंह में डालते ही घुल जाए, और इसमें बहुत सारे टिप्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है। नमस्कार, पारुल भानुशाली की चैनल में आपका स्वागत है। रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमने यहाँ पर एक कटोरी ऐसे कद्दूकस किया हुआ डेसिकेटेड कोकोनट लिया, जो ड्राई कोकोनट आता है वही लिया है। आप इसके बदले में जो बुरा आता है कोकोनट का वो भी ले सकते हो। आप ये सारी रेसिपी के लिए कोई भी एक कप, कटोरी या वाटी का उपयोग कर सकते हो। हम सारा जो मेजरमेंट है वो एक ही कटोरी के माप से करने वाले। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी जो हमारा ऐसा लच्छेदार सूखा खोबरे का ये जो है वो लिया है। अगर वजन से देखा जाए तो ये 110 ग्राम के आसपास है, और एक कटोरी भर के हमने ये लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम, उतना मैंने यहाँ पर खड़ी शक्कर ली है, जिसे हम मिश्री भी कहते हैं और धागे वाली चीनी भी कहते हैं। आप इसके बदले में नॉर्मल चीनी भी ले सकते हो। और यहाँ पर हम ले लेंगे घर की जो दूध के ऊपर की मलाई होती है, वो भी एक कटोरी भर के। जो मेजरमेंट से हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया वही मेजरमेंट से हमने बाकी की दो चीजें ली है। मीठापन आप थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब ये तीनों सामग्री को हम पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे गैस के ऊपर पकाएंगे। और जैसे ही हम इसे पकाएंगे तो पहले आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद हम अच्छे से इसको चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे, और इसे जो है ना हमें एकदम अच्छे से बाइंडिंग आने तक पकाना है। अगर हम इसे कहे कि अगर हम जिसे खोपरा पाक कहते हैं ना वो करना है, तो इसके लिए हमें सॉफ्ट ही रखना होता है। पर आज हम बना रहे हैं बिना घी का मैसू पाक, तो इसके लिए हमें ना इसे थोड़ा सा और थिक करना है। आप इसे ओवर कुक कर दोगे तो ये जो है ना एक बाइंडिंग नहीं बनेगा, एकदम जैसे कि सेट हो जाएगा ना, उसके बाद चूरा चूरा बन जाएगा, जैसे कि क्रम्बल ही हम कह सकते। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे ये ना करने के लिए 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। अच्छे से ये बाइंडिंग हो चुका है और एकदम अच्छे से इसका गोला बन रहा है। बस इतनी देर तक ही हमें इसे कुक करना है। और जो हमने यहाँ पर सूखे नारियल का मैसू बनाया है, तो उसके लिए हमने जो मलाई ली थी, तो मलाई को भी हमने कुक किया ना, तो इसमें से 4 से 5 चम्मच के जितना घी भी बन चुका है। तो हम ये कढ़ाई में से हमारा एक कंटेनर में ये मैसू का मिश्रण ले लेंगे, और जो घी बचा है उसका यूज हम और कोई मिठाई या रोटियों के लिए या पराठे के लिए भी कर सकते। तो मिठाई की मिठाई और साथ में घी भी तो हमारा बन गया। ये मिठाई को हम सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे, और 20 से 25 मिनट के बाद ये ठंडी हो जाएगी, तब हम इसे ना डीमोल्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो चुकी है, और इसे हमें ना टैप करके इसे निकाल लेंगे, और ये बहुत ही आसानी से निकल भी आती है। तो देखिए एकदम परफेक्ट और एकदम टेस्टी, और बहुत ही ज़्यादा इसे आप हेल्दी भी तो कह सकते हो, क्योंकि जो कोकोनट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। और इसके अंदर हमने चीनी के बदले में जो खड़ी शक्कर लिया है ना, तो उसे भी हम हेल्थी कहते हैं, और हेल्थी तो हेल्थी, आयुर्वेद में भी उसे ना बहुत ज्यादा गुणकारी माना जाता है। तो ऐसी गुणकारी मिठाई बनाना तो बनता है, और अभी फेस्टिवल सीजन है तो इसमें ये बनाना तो बनता ही बनता है। तो आप भी ऐसी मिठाई बनाइए, और आपको ये मैसूप की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आप मुझसे और भी कोई रेसिपी की जानकारी चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। पारुल भानुशाली की और एक चैनल है गुजराती, आप वो रेसिपी में गुजराती में भी देख सकते हो। तो जल्दी ही मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। रोज नए वीडियोज के लिए पारुल भानुशाली की चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फीडबैक भी देते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है।